Hi friends, welcome to JC Academy. Today is 2nd of August and we are going to discuss the Hindu vocabulary of today. This course is basically for banking, MBA and SSCS parents, and I just take out the best words from the editorial part of the Hindu. So let's go for the first part. The first word of today is battling. जब हम बात करते हैं बैटलिंग की तो आप सबको पता है कि बैटलिंग का एक मतलब होता है जूझना. हिंदी में अगर हम बैटलिंग का मतलब बात करें तो दैट इज जूझना. एंड आज के जो सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं जो आपके एग्जाम में आया है उसमें जो बैटलिंग वर्ड यूज किया गया उसका मतलब आएगा जूझना. जूझना अगर हिंदी में बात करते हैं तो किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करना. एंड इंग्लिश में कहेंगे ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग. अच्छा नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज रोग. जब हम बात करते हैं रोग तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स इसके आसपास आते हैं. जैसे रोग के पास आता है वोग, ठीक है. वोग के आसपास थोड़ा सा आता है बोगस, ठीक है. तो बोगस का मतलब सबसे पहले डिस्कस करेंगे. बोगस का मतलब होता है फेक. और अगर हम बात करते हैं बोगस का मतलब फेक होता है मतलब जाली. अब यहां पर हम बात करें यहां पर फर्जी भी कह सकते हैं बोगस को. अच्छा एक और वर्ड जो फर्जी की तरह की यूज होता है दैट इज काउंटरफीट. और काउंटरफीट इज बेसिकली वर्ड दैट इज यूज फॉर करेंसी. जो जाली करेंसी फर्जी करेंसी के लिए जो आता है जो आपके नकली नोट होते हैं उनके लिए जो आता है दैट इज कॉल्ड एज काउंटरफीट. अब यहां पे बात करते हैं जो वर्ड एक्चुअल में आज के एग्जाम में आया था. अच्छा ये टॉपिक कौन सा है आज का ये जो इसमें ये वर्ड्स हैं दैट इज जेंडर इनजस्टिस. मतलब अगर हम बात करते हैं तो दिस विल बी समवेयर रिलेटेड टू योर कंसेप्ट जहां फीमेल्स और मेन्स आर ट्रीटेड ill-treated basically, they are ill-treated. तो बात करते हैं रोग की. तो रोग का मतलब क्या होता है जैसे कि आप सबको पता है रोग इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है. ये क्या है एक नेगेटिव वर्ड है. हिंदी का भी एक रोग होता है दैट इज बेसिकली सम पर्सन इज हैविंग सम प्रॉब्लम. तो वो नहीं कहते हैं रोग उसको उसका रोग हो गया ये हो गया. तो यहां पर हम बात करते हैं रोग की बात करते हैं तो रोग का मतलब क्या होता है दुष्ट. अगर हिंदी में आते हैं दुष्ट. अब इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो कल के अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो वहां पे कल एक वर्ड बताया था ऑफेंडर. तो ऑफेंडर भी कोरिलेट कर सकते हैं रोग को. तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. यहां पे एक और वर्ड कल बताया था रफियन, वो भी इससे कोरिलेट कर सकते हैं. आइए देखते हैं टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ टुडे. नेक्स्ट वर्ड क्या है. नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेव. जब हम बात करते हैं ग्रेव की तो ग्रेव मैटर ग्रेव कई तरीके से यूज होता है. पहला वर्ड है ग्रेव मैटर. यहां पे ग्रेव मैटर का मतलब क्या होता है वेरी सीरियस मैटर, राइट. तो ग्रेव मैटर का मतलब क्या होता है सीरियस मैटर. अच्छा ग्रेव का एक और मतलब भी होता है आप सब लोगों ने सुना होगा ग्रेव यार्ड. ग्रेव यार्ड का मतलब होता है अ प्लेस वेयर पीपल आर ब्यूरिड बरिड बेसिकली. जहां पे लोगों को दफनाया जाता है उसे ग्रेव यार्ड कहते हैं. और जो दूसरे लोगों की जहां पे लोग दफन होते हैं एक्चुअल में वो जैसे कि अगर हम हिंदी में कहें कब्र तो इसको भी ग्रेव कहते हैं. अच्छा ग्रेव का एक फ्रेज में भी यूज किया जाता है कई बार. आई हैव जस्ट गॉन थ्रू द फ्रेज आल्सो बट आज के नहीं आया है अखबार में लेकिन ये फ्रेज आता है. एंड उसका मतलब क्या है फ्रॉम क्रेडल. अगर एक फ्रेज की बात करते हैं तो फ्रेज है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. मतलब क्या है क्रेडल का मतलब होता है पालना और ग्रेव का मतलब होता है कब्र. तो अगर हम बात करते हैं फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव की तो मतलब होता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. समझ में आ गया होगा, ठीक है. अच्छा यहाँ पे एक और फ्रेज भी है प्लिंथ टू पैरामाउंट. यहाँ पे आपने कई बार कई किताबों में देखा होगा फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट. यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग है. यहां मतलब है सॉरी फर्श से अर्श तक. आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है. मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड नहीं आएगा इसका मतलब होगा कोई चीज स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर धीरूभाई अंबानी तो ही हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच. एंड ये इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आई होप. नेक्स्ट वर्ड आज का है ब्रेजन. ब्रेजन इज इक्वलेंट टू ब्रेव. आप सब लोगों को पता होगा कि ब्रेव का मतलब क्या होता है बहादुर. जैसे अगर हम तुमसे कहें आपसे कहें सॉरी अगर हम आपसे ये कहें कि आपकी फोर्स है आपकी फोर्स है जो इंडिया की फोर्स है दैट इज क्वाइट ब्रेव. तो वहां पे ब्रेव का मतलब समझ में आ गया होगा. ब्रेजन और ब्रेव में देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस. ब्रेजन इज अ पॉजिटिव वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर पॉजिटिव पीपल व्हेयर ब्रेज इज यूज्ड फॉर नेगेटिव पीपल. यहां पे अगर हम बात करते हैं जैसे कि इंडियन की मिलिट्री है इंडियन की फोर्स है इंडिया की फोर्स है तो ये बहुत ही ज्यादा ब्रेव है बहादुर है.
ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिलिटेंट्स को ले लें तो वो भी ऑब्वियस सी बात है बहादुर होंगे, लेकिन उनके लिए जो वर्ड आएगा that will not be brave, it will be brazen। यहाँ पे brazen का synonym bold होता है। आते हैं देखते हैं next word। The next word is immolate। बात करते हैं जब हम immolate की तो immolate का मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। ये होता है ऐसा एक word लिख के आता है आज के newspaper में that is immolation या immolate। तो यहाँ पे मतलब होता है self immolation मतलब होता है आत्मदाह करना। ये जो आत्मदाह। अब immolate का मतलब क्या होता है? अपने आप को आग लगा लेना या आग लगाना। अब आग लगाने के लिए इंग्लिश में वर्ड कौन कौन से आते हैं, लेट्स गो फॉर दैट। सबसे पहला वर्ड जो आपको याद रखना है दैट इज incendiary, ठीक है, incendiary। तो थोड़ा सा स्पेलिंग से गड़बड़ हो गई है, स्पेलिंग होगी incendiary। नेक्स्ट वर्ड ऑफ दैट इज टॉर्च। टॉर्च का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। पहला तरीका यह है कि जो आपका नाउन के फॉर्म में जो टॉर्च आता है वो जो होता है दैट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट, जो रोशनी दिखाता है, जो आपने छोटे बड़ा है। टॉर्च का एक और मतलब भी होता है, ऐसे अगर लिखा हो राम टॉर्च्ड हिज होम, तो इसका मतलब क्या होगा? राम ने अपने घर में रोशनी दिखाई, ये मतलब नहीं आएगा। इसका मतलब होगा राम ने अपने घर में आग लगा दी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। टॉर्च का मतलब क्या होता है? आग लगाना। यहां पे अगर हम बात करते हैं इमोलेट से रिलेटेड और भी बहुत सारे शब्द हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड सो दैट इट मे बी वेरी क्लियर फ्रॉम द नेक्स्ट थिंग। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो आगे हम बात करते हैं इमोलेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन एक मिनट बाद। चलिए जैसे कि देख रहे हैं Hold for a second, हाँ, right. तो देखते हैं next word अपना, and next word क्या है आज का? Next word है, okay, impunity। अगर हम बात करते हैं impunity की, तो वहाँ पे एक इंडिया में law आया था, law of impunity, and law of impunity का मतलब क्या होता है? We cannot punish या exemption from punishment। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए लॉ आया था कि द स्मॉल चिल्ड्रन शुड नॉट बी हिट और बीटन बाय द टीचर्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ पनिशमेंट मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ इम्प्यूनिटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज टेकन फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज कॉल्ड एज पैट्रियार्कियल सोसाइटी। जैसे लिखा होता है इंडियन इज हैविंग अ पैट्रियार्कियल सोसाइटी, यहाँ पे एक शब्द हमको सीखने वाला वर्ड है वो है पैट्री। और इंग्लिश में पैट्री का मतलब होता है फादर। तो अगर हम बात करते हैं पैट्रियार्कियल तो मतलब होता है मेल डोमिनेटिंग। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो दिस इज वेरी मच इन कॉमन, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। अगर हम बात करते हैं पैट्रियार्कियल तो देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं आर्की का मतलब होता है रूल, और अगर हम बात करते हैं पैट्री का मतलब होता है फादर। तो यहां पर अगर हम कहें पैट्रियार्की तो फादर्स रूल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो यहां पर पैट्रियार्कियल का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं आर्की से रिलेटेड एक छोटा सा और वर्ड है अनार्की। अनार्की होता है रूल बाय वन पर्सन, रूल बाय वन, दिस इज कॉल्ड एज अनार्की। तो आगे बात करते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज बोगस। अगर हमने आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आज के टाइम पे बोगस का मतलब क्या होता है, फेक होता है, थोड़ी देर पहले ये डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट विल बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज अडॉन दैट इज बीइंग यूज्ड, एंड अडॉन का मतलब क्या होता है? अडॉन का मतलब होता है सजाना। दिस वर्ड इज बेसिकली यूज फॉर गॉड। और अगर हम बात करते हैं अडॉन से रिलेटेड कोरिलेटेड वर्ड जो है अडॉन से वो है एम्बेलिश। एम्बेलिश इज बेसिकली यूज फॉर लैंग्वेजेस एज वेल एज इट इज यूज फॉर साड़ी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड दैट इज एम्बेलिश के अलावा अगर हम वर्ड देखना चाहें अडॉन से रिलेटेड तो हम कह सकते हैं डेक अप। डेक अप किसके लिए आता है? कार के लिए आता है। स्प्रूस अप किसके लिए आता है? एरिया के लिए आता है। और अगर हम बात करते हैं डेक अप स्प्रूस अप के अलावा एक दो वर्ड और देख सकते हैं हम, जैसे कि अगर हम बात करें आपने देखा होगा खाने को सजाने के लिए वर्ड यूज होता है गार्निश। गार्निश इज बेसिकली यूज फॉर फूड। और अगर हम बात करते हैं मेरे ख्याल से इतने सारे शब्द काफी होंगे आपको समझाने के लिए कि इन सब का मतलब क्या होता है, सजाना। तो एडॉन का मतलब होता है सजाना। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दैट इज कॉल्ड एज एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब होता है चढ़ना, आपने सामने पढ़ा होगा, और इसका ऑपोजिट होता है डिसेंट। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, एक वर्ड इंग्लिश में आता है एब्सील, और एब्सील का मतलब क्या होता है, लेट्स गो फॉर दैट वर्ड। अगर हम बात करते हैं एब्सील की तो आपको पता होगा चढ़ना नॉर्मली क्लाइंब होता है,
ठीक है, एसेंट भी कह सकते हैं, जब कभी चढ़ाई चढ़ते हैं तो एसेंट होता है, जैसे सुना होगा एसेंडिंग ऑर्डर और नीचे होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट्स इन मैथ्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपना हाथ पैर लगा के दोनों से चढ़ रहे हैं किसी चीज से, तो वहां पे वर्ड आता है एब्सील। हाथ पैर दोनों चीजें चढ़ने के लिए एब्सील आता है, और एब्सील अप और एब्सील डाउन यूज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पेड़ पे चढ़ने के लिए एब्सील अप और उतरने के लिए एब्सील डाउन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एसेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, एब्सील का मतलब भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहला जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका इललेजिमेट, इललेजिटिमेट। इसका मतलब क्या होता है? अवैध। अगर हम बात करते हैं इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है लेजिटिमेट होगा। अब यहां पे हम बात करते हैं एक और वर्ड जो इसके पास पास है, दैट इज इलिसिट। इलिसिट का मतलब भी समझ सिमिलर होता है। इसके एक और वर्ड ले सकते हैं, दैट इज इलीगल। इलीगल एंड इलिसिट हैव डिफरेंस, एंड इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, जो आपके कानून के हिसाब से गलत होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलिसिट। अवैध मॉरल के हिसाब से गलत होता है, मतलब मॉरल का मतलब ये कैन से नैतिक। मॉरल का एक और मतलब भी होता है मोरल, जिसे पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं एब्सिमल का मतलब क्या होता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एब्सिमल। और एब्सिमल का मतलब होता है वेरी बैड, ये हम कह सकते हैं वेरी बैड और ऑफ पुअर क्वालिटी। मतलब अगर हम कहते हैं एब्सिमल, सॉरी ABYSMAL, एब्सिमल रिमार्क्स आर मेड, तो मतलब क्या है, बहुत ही गंदे रिमार्क्स बनाए गए। यहाँ पे एक और वर्ड भी इंग्लिश में ऐसे ही सिमिलर आता है, abyss। abyss का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। abyss का मतलब क्या होता है? गड्ढा। ABYSS, abyss का मतलब होता है गड्ढा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड है malevolent। इससे पहले इसका ऑपोजिट समझ लेते हैं, दैट इज benevolent। अब benevolent का मतलब मेरे ख्याल सबको पता है, benevolent का होता है उदार। उदार मतलब उदार हृदय वाला, बिग हार्टेड। और इसका ऑपोजिट होगा malevolent, ठीक है। मेरे ख्याल से काफी आराम हो रहा है। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? अच्छा, अंडर बहुत सारे चीजों के लिए आता है फ्रेज, जैसे अंडर स्कैन, फिर आपने सुना होगा अंडर कैमरा, फिर आपने सुना होगा अंडर हैमर। तो बेसिकली हर एक चीज के लिए अलग अलग फ्रेज आते हैं। अगर हम बात करते हैं अंडर अ क्लाउड की, जो कि फ्रेज आया है, तो उसको डिस्कस करेंगे। अंडर अ क्लाउड से पहले बाकी सब डिस्कस कर लेते हैं। तो अंडर अ स्कैनर का मतलब, या अंडर अ लेंस भी कह सकते हैं, अंडर अ लेंस का मतलब होता है टू कम अंडर सस्पिशन, शक के घेरे में आना। अंडर कैमरा मतलब भी वही होता है। अंडर हैमर का मतलब होता है, अंडर हैमर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका मतलब होता है ऑक्शन। और अंडर क्लाउड का मतलब क्या होता है? अंडर क्लाउड का मतलब होता है डिसअप्रूवल बाय पीपल। यहां पे याद रखिएगा क्या मतलब होता है अंडर क्लाउड का, डिसअप्रूव्ड, ठीक है, बाय पीपल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, डिसअप्रूव ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा डिसअप्रूव करना, वहां पे ये वर्ड यूज होगा, ठीक है। डिसअप्रूवल बाय पीपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी की जब हम बात करते हैं, तो आप सबको पता है कि इट इज पब्लिक शेम। क्या है आज के टॉपिक में आया है? पब्लिक शेम, या हम कह सकते हैं पब्लिक हरासमेंट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। रिजुविनेट का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा गंगा का रिजुविनेशन प्रोग्राम हो रहा है, एंड यू ऑल नो दैट। यहाँ पे ये वर्ड निकला किससे? लेट्स गो फॉर दैट। यहाँ पे वर्ड निकला है जुवेनाइल से, और जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जो बच्चे को लिए आता है, जुवेनाइल वहां पे है। और रिजुविनेट मतलब यहाँ पे अगर हम हिंदी में कहें तो यौवन, ठीक है। तो रिजुविनेट मतलब होता है पुनर्जीवित करना किसी चीज को। यहाँ पे एक और वर्ड भी इससे रिलेट कर सकते हैं, दैट इज रेनांसे। एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल वर्ड है, दिस इज फ्रॉम हिस्ट्री, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेनांसे, जिसका मतलब भी लगभग ऐसे होता है पुनर्जीवित करना, ठीक है। तो रिजुविनेट का मतलब क्या होता है? टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एट द हेल्म का मतलब क्या होता है? एट द हेल्म का मतलब होता है टू बी अ लीडर। क्या मतलब होता है? टू बी अ लीडर। एट द हेल्म मतलब होता है इन ड्राइवर सीट। इन ड्राइवर सीट मतलब अगर हम कहें कि किसी चीज को लीड करना, किसी चीज को लीड करना। मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। एट द हेल्म इज अ फ्रेज, इतना याद रखिएगा। ये आज के एक किसी फ्रेज का, सॉरी किसी आर्टिकल का हेडिंग है, तो वहां पे ये देखना है, इसका मतलब होगा टू बी अ लीडर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। साइकोफेंसी का मतलब क्या होता है? साइकोफेंसी से पहले हम समझते हैं साइकोफेंट। और साइकोफेंट का मतलब क्या होता है? चमचा,
ठीक है, क्या होता है, चमचा चापलूसी करना, तो साइको साइकोफ्रेंड चमचा होता है, तो साइकोफेंसिस का नाउन है और इसका मतलब होता है चमचा गिरी। तो अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कई वर्ड्स हैं जो आते हैं, जैसे कि फॉनिंग, फॉनिंग का मतलब होता है हाँ में हाँ मिलाना, फ्लैटरिंग मतलब होता है किसी की तारीफें करना, बटरिंग भी कह सकते हैं लेकिन बटरिंग इज नॉट इंग्लिश वर्ड, बस बोल देते हैं लोग बटरिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्लैटरिंग वर्ड विल बी मोर करेक्ट इन प्लेस ऑफ बटरिंग। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पे आता है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है अ वेरी गुड स्पीकर, या हम बात करें ओरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो वर्ड है दैट यू हैव टू लर्न इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब भी होता है बहुत अच्छा बोलने वाला, ARTICULATE, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इनएक्सट्रिकेबल, अच्छा इस शब्द को सुनते ही एक वर्ड और आ रहा है, इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एग्जैक्टली, और इनएक्सट्रिकेबल का जो आज जो शब्द ये निकला हुआ है अखबार का, इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब है इम्पॉसिबल टू सेपरेट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के 20 शब्द समाप्त होते हैं, कल मिलते हैं इसी समय इसी जगह पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।